हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। गाइस, आज है 26 अक्टूबर और दिन है सैटरडे का। मैं इस समय बैठा हूँ माल रोड पे और आज का ब्लॉग हमारा शुरू हो रहा है माल रोड से। तो गाइस, बहुत अच्छी धूप है और सैटरडे का दिन है तो ऑब्वियसली भीड़ तो होगी। तो जैसे जैसे दिन बढ़ेगा वैसे वैसे भीड़ होगी। तो आज दिन भर जो भी एक्टिविटीज़ होगी हम आपको दिखाएंगे ब्लॉग के अंदर, तो बने रहें आप। तो गाइस, 11 बजे के आसपास का टाइम है और मैं खड़ा हूँ इस समय माल रोड, मल्लीताल माल रोड के स्टार्टिंग पॉइंट पर। और अभी बहुत ज़्यादा भीड़ तो नहीं है, लेकिन सैटरडे है तो जैसे जैसे दिन बढ़ेगा वैसे वैसे भीड़ बढ़ेगी। और अब थोड़ा चलते हैं मल्लीताल रिक्शा स्टैंड स्क्वायर चौराहे की तरफ। और ये कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है पूरे माल रोड पे जगह जगह। और ये देखिए, हम पहुंच गए हैं मल्लीताल रिक्शा स्टैंड और सामने बिल्डिंग एल्पस होटल और उसके ऊपर देखिए नैनीताल की हाईएस्ट पीक चाइना पीक है। और हम पहुंच गए पुलिस चौकी के पास। और गाइस, अगर आपको मल्लीताल रिक्शा स्टैंड पर एटीएम चाहिए तो सामने आपको बैंक ऑफ बड़ौदा का एटीएम मिलेगा और उसके जस्ट बगल में पब्लिक टॉयलेट है अगर किसी को रिक्वायरमेंट हो तो। और ये है खूबसूरत सी पुलिस चौकी। और अब यहाँ से चलते हैं हम लोग पंथ पार्क के अंदर। हेलो राज, कैसे हैं आप? बढ़िया, आप कैसे? आई एम फाइन। कल कहाँ थे आप? कल हम हल्द्वानी गए थे। अच्छा, दिखे नहीं ना। और ये है पंथ पार्क और वेदर देखिए, बढ़िया धूप निकल रही है, कहीं कहीं पे बादल भी हैं आसमान में और मॉर्निंग टाइम है तो खाली खाली सा है। हालांकि सैटरडे है आज और दिन में भीड़ तो होगी। और ये है चाय वाले भाई साहब। हाँ जी, स्वप्न मंडल जी, कैसे हैं आप? बढ़िया। अब चलते हैं आगे झील के किनारे और देखिए पंथ पार्क कितना ब्यूटीफुल लग रहा है खाली खाली। और ये है खूबसूरत झील, चमचमाती हुई सूरज की रोशनी पड़ रही है इस पर। और इक्का दुक्का पर्यटक, अभी तो पर्यटक मॉर्निंग टाइम है तो कम है, जैसे जैसे भीड़ बढ़ेगी पर्यटक भी बढ़ेंगे। और सामने नगर पालिका की बिल्डिंग, मस्जिद। और हम आ गए रोज के अपने स्थान पर। यहाँ से झील का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत और बड़ा सुकून मिलता है यहाँ बैठने पर। और ये है बोट स्टैंड, खाली खाली सा है अभी, बहुत ज़्यादा बोटिंग नहीं हो रही है, थोड़ी बहुत बोटिंग हो रही है, मॉर्निंग टाइम है। ये देखिए लेक का पानी कैसे शाइन कर रहा है, इस पर सूरज की किरणें पड़ रही हैं और हल्की हल्की हवा भी चल रही है। तो गाइस, चलते हैं वापस अब पीछे की तरफ। गाइस, अब चलते हैं फील्ड की ओर और देख के आते हैं कि फील्ड की कैसी कंडीशन है, किस तरह का व्यू है और आज कोई गेम हो रहे हैं या नहीं। तो चलिए चलते हैं फील्ड की ओर। ये रास्ता जाता है पंथ पार्क से मल्लीताल फ्लैट यानी फील्ड की ओर, स्टेडियम। तो हम लोग चल रहे हैं स्टेडियम में, देखते हैं आज कैसी गतिविधियाँ हैं, कैसी हलचल है स्टेडियम के अंदर। और ये स्ट्रेट नगर पालिका परिषद का ऑफिस है, अगर किसी को वहाँ जाना हो तो वहाँ जा सकता है। और यहाँ पर बीच से स्टेयर्स हैं जो कि आपको माल रोड कनेक्ट करती हैं। तो हम लोग पहुँचने ही वाले हैं। और ये है मल्लीताल का फ्लैग स्टेडियम। तो गाइज, आज तो ये स्टेडियम में कुछ नहीं हो रहा है, सामने ब्यूटीफुल सा माउंटेन। कल यहाँ पर वॉलीबॉल हो रहा था और उससे पहले हॉकी, बास्केटबॉल, यहाँ कुछ ना कुछ होता ही रहता है। तो गाइज, एक दो दिन में यहाँ पर दुकानें लगेंगी, लाइन से पटाखे की दुकानें हर साल लगती है फील्ड के अंदर। तो ये किनारे किनारे का जितना भी एरिया देख रहे हैं आप, यहाँ पे बहुत सारी पटाखे की दुकान लगेगी दिवाली के टाइम पर। और हम वापस से रिक्शा स्टैंड मल्लीताल चौराहा आ चुके हैं और दिन भर कुछ इस तरह की हलचल रही है। गाइज, 2:15 बजे के आसपास का टाइम है और अच्छी खासी भीड़ हो चुकी है। देखिए जाम दिख रहा है आपको गाड़ियों का, तो ये जाम आगे तक है, जो मस्जिद तिराहा है वहाँ भी जाम है और भीड़भाड़ हो चुकी है काफ़ी, क्योंकि सैटरडे है, सैटरडे के दिन आसपास के क्षेत्रों के लोग भी आ जाते हैं, जैसे हल्द्वानी, रामनगर, ये वनडे के लिए आते हैं आसपास के लोगों के, आसपास के लोग।
और शाम तक चले जाते हैं। और ये है अशोक स्तंभ। तो गाइज मैं आ चुका हूँ स्टेट बैंक के सामने और ये मेरे पीछे स्टेट बैंक है और सामने की तरफ है रोपवे का गेट। तो ये सामने है रोपवे का गेट, यहाँ से आप रोपवे के लिए जा सकते हैं टिकट लेके। और ये रेस्टोरेंट देखिए कितना ब्यूटीफुल है, चलते हैं आगे। और दोस्तों ये है लकीज रेस्टोरेंट और इसका इंटीरियर बहुत खूबसूरत है, मैंने आपको पहले भी दिखाया था, बहुत ब्यूटीफुल लगता है। और लाइन से और भी रेस्टोरेंट है, साइक्लिस और चॉकलेट रूम, तो देखिए यहाँ भी जाम लगा है। और सामने है मल्लीताल रिक्शा स्टैंड और यहाँ भी काफ़ी भीड़ है, रिक्शा स्टैंड में लाइन लगी है लोगों की, ट्रैफिक काफ़ी हो रहा है आज, लेकिन मौसम अच्छा है आज बहुत ज़्यादा। और जैसे जैसे दिन हुआ है, खैर फॉगी हो गया अब तो, धूप जा चुकी है, कहीं पर है कहीं पर नहीं है। देखिए रिक्शा स्टैंड पे काफ़ी भीड़ है आज, लाइन काफ़ी लगी है, लोग नीचे भी खड़े हैं। और अब हम चलते हैं आगे। और ये झालर बेचने वाले भी आ गए हैं, दिवाली के टाइम पर ये बाहर से झालर बेचने वाले अक्सर आ जाते हैं यहाँ पर और बहुत सारे रंग बिरंगे झालर बेचते हैं। और गाइस करीब 3 बजने वाला है और वेदर तो हो चुका है ख़राब और क्लाउड हो गया चारों तरफ और कहीं कहीं धूप है कहीं कहीं क्लाउड है। हम लोग जहाँ बैठे हैं टाउन में इस समय, टाउन जो है क्लाउडी है और धूप जा चुकी है। तो मैं दिखाता हूँ आपको बैक कैमरे से, पहाड़ियों पे तो धूप दिख रही है लेकिन यहाँ क्लाउड्स आ चुके हैं। तो गाइज़ ये देखिए ऊपर पहाड़ियों पर धूप दिखाई दे रही है, बाकी नीचे चारों तरफ धूप जा चुकी है, थोड़ा थोड़ा ठंडा होने लगा, हल्का हल्का ठंडा होने लगा। तो फ्रेंड्स हम पहुंच चुके हैं लवर्स पॉइंट और ये है फलों की दुकान अमजद भाई की। हेलो, कैसे हैं आप? और चारों तरफ आसमान में क्लाउड्स हो रहे हैं, ये है लवर्स पॉइंट। और सामने कैमल्स बैक पीक है लेकिन क्लाउड्स की वजह से विजिबल नहीं है अभी। और ये है लवर्स पॉइंट, ये हॉर्स स्टैंड भी है, यहाँ से घोड़े मिलते हैं घूमने के लिए। और दोस्तों ये है लवर्स पॉइंट में बहुत सारे लंगूर जिन्हें पर्यटक बिस्किट फल पता नहीं क्या क्या खिला रहे हैं और काफ़ी भीड़ सी जमा कर रखी है इन्होंने। हालांकि देखने में अच्छा लग रहा है लेकिन ये गलत है, इन बंदरों को कुछ खिलाना नहीं चाहिए लंगूरों को, क्योंकि फिर इनकी आदत खराब हो जाती है और ये लोगों से सामान छीनने लगते हैं और उनके हाथ से फ्रूट्स या पैकेट छीन के ले जाते हैं। तो गाइज अब हम पहुंच चुके हैं स्नो व्यू में स्थित श्री देव मंदिर। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं देव मंदिर, मेरे पीछे देखिए देव मंदिर बहुत पुराना टेम्पल है और ये है देव मंदिर और बहुत प्राचीन मंदिर है। टेम्पल के सामने ही आपको हाथ के बने हुए मोजे टोपी और ऊन का सामान मिल जाएगा जो कि ये महिलाएं हैं यहीं बनाती हैं। और अब चलते हैं थोड़ा आगे, तो जैसे ही हम आगे बढ़े यहाँ पर आपको स्वीट कॉर्न मिलेगा, चाहें तो अगर आप दिल करे तो आप खा सकते हैं। और एक शॉप और मिलेगी हिमालयन, यहाँ भी जम्मू कश्मीर का ही सामान मिलता है वहाँ का बना हुआ। और लाइन से रेस्टोरेंट हैं, चाहें तो चाय कॉफ़ी मैगी और इस तरह का कोई भी खाना आप यहाँ खा सकते हैं। तो गाइज हम पहुँच चुके हैं एडवेंचर पार्क और आज भीड़भाड़ है, वैसे पिछले 3-4 दिन से खाली था लेकिन अभी आज सैटरडे के चलते थोड़ा क्राउड है। तो चलिए चलते हैं अंदर। ये गो कार्टिंग हो रही है सामने देखिए, और कल परसों दिखाया था मैंने, ये सेक्शन भी बिल्कुल खाली था और आज देखिए भीड़ भाड़ रेस्टोरेंट के सामने, सारी चेयर्स फुल हैं, ऊपर जिप लाइन और इधर 360 टावर। और परसों तक ये एरिया जब मैं आया तो बहुत बहुत खाली था, बिल्कुल खाली था। और ये रेस्टोरेंट, फिर ये टिकट विंडो, हमेशा मैं आपको अपोजिट साइड हूँ सामने से दिखाता हूँ लेकिन आज हम लोग इसके बैक साइड से एंटर हुए हैं। तो ये है एडवेंचर पार्क नैनीताल स्नो व्यू में,
और बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है, चारों तरफ देवदार के पेड़ों से घिरा हुआ। तो डियर फ्रेंड्स, शाम हो चुकी है और 5:30 बजे के आसपास का टाइम है और मैं पहुंच चुका हूं अपने वही चिर परिचित स्थान पर जहां से हम अक्सर ब्लॉग शुरू करते हैं। तो गाइज, आज दिन भर हमने आपको दिखाई नैनीताल में हुई जो भी एक्टिविटीज़ और किस तरह की भीड़ भाड़ रहा, किस तरह का हलचल रही और टूरिज़्म कैसा रहा। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अब इस वीडियो का यहीं करते हैं अंत और मिलते हैं कल सुबह नए ब्लॉग के साथ। तो दोस्तों, आप लोग अपना और अपनों का बहुत 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 ख्याल रखिए और हमें भी दुआओं में याद रखिए। गुड बाय।